तो कैसे हो आप लोग। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बना रहे हैं घर पे एक पिज्जा, जो कि कैसे लगता है कैसे बताए आप लोगों को दिखाते हैं। चलो सबसे पहले इधर हम लोग डाल चुके हैं मेयोनीज, केचप एंड हमारा पास्ता पिज्जा सॉस। सो अभी हम लोग डाल रहे हैं वेजिटेबल्स। सबसे पहले ऑनियन, तो हम लोग भूल चुके थे पहले ही चीज डालने का। सो अभी हम लोग डाल रहे हैं चीज, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं। किया ब्रांड का पिज्जा सीजनिंग है। सो अभी हम लोग पूरा चीज पूरा डाल चुके हैं। सो अभी हम लोग रखेंगे पैन पे, आप लोग कढ़ाई पे भी रख सकते हैं। सो आप लोगों के इधर किड्स न्यूट्रेला मिलेगा उसको, इधर किड्स न्यूट्रेला मिलेगा उसको न्यूट्रेला। इधर किड्स न्यूट्रिशन है, उस पर दबाना है, एक बार ही दबाना है और फिर इधर स्टार्ट करना है और 13 मिनट्स पर हमारा पिज्जा रेडी हो जाएगा। जब मैं खाना करता उसके बीच में पिज्जा बन गया। सो इसको देखो जल चुका है थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से। सो बहुत ही टेस्टी लग रहा है पिज्जा खाने में। सो आप लोग भी खा सकते हैं घर पे बनाकर। सो चलो टेस्ट देखते हैं उसका मेरे खाने के बाद। सो अभी हम लोग बहुत कट करने की कोशिश की, अभी हम लोग सीजर से कट कर रहे हैं। सो अभी मैं भी एक पीस देखता हूँ कैसा लगता है पिज्जा, देख सकते हैं आप लोग। यस मस्त लग रहा है, लेकिन जलना नहीं चाहिए था यार। देख सकते हैं गाइस जल कितना रहे, बहुत बुरा लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। आप लोग भी घर पे बना। सो आप लोग भी ऐसा गलती मत करना, हम लोग जैसे हम लोग थोड़ा पागल इंसान है, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा गलती मत करना। सो